एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, फिल्म सत्यनारायण की कथा के मामले में पुलिस महानिदेशक को परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षण के उपरांत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार के फिल्म निर्माताओं से अनुरोध है कि अच्छा होगा कि वे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट न बनाए। हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किए जाने से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा खासे खफा हैं। उन्होंने कहा, फिल्म सत्यनारायण की कथा के मामले में पुलिस परीक्षण कर रही है। इस प्रकार के फिल्म निर्माताओं से अनुरोध है कि अच्छा होगा कि वे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट ना बनाएं। मेरा ये सब जो निर्माता है इस तरह के, इनसे प्रार्थना है कि ये हिंदू देवी देवताओं को सॉफ्ट टारगेट करना बंद करें। मैंने हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि ये कभी किसी और धर्म पे नहीं लिख सकते। आपने सुना, इनने ये जो बार बार बना रहे हैं कि इनने कभी अल्पसंख्यकों पे कुछ लिखा है, उस पे फिल्म बनाई है, लिख नहीं सकते। सबसे टॉप टारगेट हम ही और हमारे देवता लगते हैं इन्हें। मैं डीजीपी को बोलूंगा कि इसका एग्जामिन कराएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मिश्रा ने कहा, कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कमलनाथ जी कम से कम अपना एक मंत्री ही भेज देते जब बहनों ने मुंडन कराया था। 15 महीने की तत्कालीन सरकार के समय प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अच्छी तरह से देख और समझ लिया है। नेमावर हत्याकांड में सरकार अपराधियों को फांसी दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जा रहा है। कांग्रेस राजनीति कर रही है कि कैसे समाज में अलगाव पैदा किया जाए। उन बहनों के साथ हैं कि नहीं जिनने मुंडन कराया था? जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे वो नहीं जाते, कोई बात नहीं थे, पर एक आध मंत्री को ही भेज देते अपने को। ये घड़ियालू आसी है, कोकोडाइल टियर है। मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने में इनको अच्छी तरह से देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है और उसका परिणाम सामने भी है उनके, पर फिर भी समझ नहीं आ रही। इनके पांव के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं। अपराधी तत्काल पकड़े गए। ब्लाइंड मर्डर को उजागर पुलिस ने किया। अपराधियों पर जो अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकती थी वो कर दी गई। सहायता राशि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला गया। सासर की पूरी कोशिश फांसी दिलवाने की होगी, लेकिन समाज में अलगाववाद कैसे फैले, ये कांग्रेस का मूल है। गृह मंत्री ने कहा, भागवत जी का बयान समाज को समरसता की ओर ले जाएगा। तुष्टीकरण के महानायक दिग्विजय सिंह को यह बयान बिल्कुल रास नहीं आएगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण पैदा कर और अलगाव की बात करके ही कांग्रेस ही वोट की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण के महानायक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात करकर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। पहले मुल्ला मुलायम कहते थे, अब ये कठमुल्ला हो जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।